हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर शुभम तिवारी। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था मार्जिनल कॉस्टिंग सेक्शन वन का क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का सिलेबस है TY BCom का भी है, TY BEF में भी है, एंड CMA लेवल में भी है, देन IPSC लेवल में भी है। तो सबके लिए ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, स्पेशली ये जो वीडियो है BEF एंड BCom के लिए है। तो जो सेक्शन मीन्स आपका ये जो टॉपिक है, मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है जिससे आपको टॉपिक्स क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड टू समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो मैंने फॉर्मेट देखो आपका रेडी करके रखा है। तो हर क्वेश्चन में मार्जिन कॉस्टिंग की आप क्या करो, ये टेबल इतना तो रेडी रख लो, प्लस PB रेशियो सबसे पहला रहेगा और क्लियर करके रख लेने का। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे रीड करता हूँ क्या दिया गया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो, मीन्स PB रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख है, सेल्स टू रिक्वायर्ड एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखो फॉर्मूला आपको मैंने चार फॉर्मूला दे के रखा था। तो सेक्शन वन के लिए आई थिंक चार फॉर्मूला आपको क्या रहेगा, इनफ रहेगा। इसके लिए मैंने चार ही फॉर्मूले वहाँ पे क्या क्लियर करके रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय आपको PB रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो, चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना देकर रखा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 18,000, सेकेंड ईयर का 26,000। तो मतलब फॉर्मूला मेरा है चेंज इन प्रॉफिट, बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट मतलब माइनस कर दिया, तो 26,000 माइनस 18,000। चेंज इन सेल्स 280 माइनस 240, तो 2,80,000 माइनस 2,40,000 मल्टीप्लाई 100। तो माइनस किया 26 से 18 माइनस किया तो कितना आ रहा है हमारा, 8,000 आ रहा है। 280 से 240 माइनस किया तो कितना आ रहा है, 40,000 मल्टीप्लाई 100। तो 8,000 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा मैं, तो 8,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 40,000 कितना आ रहा है हमारा, 20%। तो ये जो PB रेशो आता है इसका मतलब क्या रहता है, हमारा कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो मैंने बोला था देखो इसके बाद क्या करो, आप किसी भी एक ईयर या पीरियड को लेके, तो मैं फर्स्ट ईयर के यूज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर का यूज करके आप ये टेबल पहले रेडी कर लो। तो फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना देके रखा है, फर्स्ट ईयर का सेल्स है हमारा 240, एंड प्रॉफिट कितना देके रखा है सर, प्रॉफिट दिया है 18,000। देखो ना, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स PB रेशियो कितना है, 20%। तो ये 20% आप किस पे निकालोगे, सेल्स पे। मतलब आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे, आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे वो किस पे निकालोगे, सेल्स पे। जितना भी हमारा क्या आया था, PB रेशियो आया था, वो कर दो। तो सेल्स कितना है, 240 मल्टीप्लाई 20%। तो 240 मल्टीप्लाई 20% सॉरी 240 मल्टीप्लाई 20% कितना आ गया आपका, 48,000। 48,000 कितना आ गया, 48। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है भाई, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। तो फिक्स कॉस्ट 2 का A मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, 2 का B क्या लिख रहा हूँ मैं, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, 48। देखो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते देन प्रॉफिट आता है 48, और ये कितना 18 है। मतलब फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है, तो कंट्रीब्यूशन आपका दिया गया है 48,000 माइनस ये कितना दिया गया है, 18,000। तो ये आपका कितना आ गया, 30,000। तो प्रॉफिट आपका इस केस में कितना आ गया, 30,000। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। देन आप क्या करो, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लो। कैसे आएगा, 240 माइनस आपका ये 48, तो 192। वेरिएबल का फिलहाल तो कोई काम नहीं रहता है, बट फिर भी आप टेबल उसको क्या करो, क्लियर कर लो। अब जो इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम लोग ने इतना काम किया, 2 का C क्यों किया है, क्योंकि हमको क्या पूछा था, BP सेल्स पूछा था, BP सेल्स। और BP सेल्स का फॉर्मूला क्या था सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन में PB रेशो, क्योंकि हमको फिक्स कॉस्ट का काम था, इसके लिए हम लोग ने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे निकाला था। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था सर, 30,000 अपॉन में PB रेशो कितना था, PB रेशो 20%। तो 30 डिवाइड बाय 20% आप करोगे, 1,50,000 आ रहा है। तो 1,50,000 आ रहा है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड आपको बोला क्या गया है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹2 लाख, प्रॉफिट ये जब रहेगा तो आपको क्या करना है, तुरंत ये फॉर्मूला लगा देना, सेल्स का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में PB रेशियो
कब, जब आपको सेल्स पूछेगा डिजायर्ड प्रॉफिट दिया रहेगा या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट पूछेगा सेल्स दिया रहेगा। अब आप इसमें देखो कि दिया क्या, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख, प्रॉफिट पूछा है इसका मतलब सेल्स दिया है। फिक्स कॉस्ट अपने को पता था 30,000, तो फिक्स कॉस्ट की जगह पे 30,000, डीपी आपका गायब है डिजायर्ड प्रॉफिट, पीबी रेशो हमको पता है 20%, तो आप क्या करो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% कितना आ गया 40,000। और यहाँ पे क्या है सेम आप कॉपी करो 30,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 30,000, यहाँ पे क्या है प्लस है, इधर आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 माइनस 30 आपका क्या आ रहा है 10,000, तो डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना 10,000। नेक्स्ट 4 की बात करते हैं, सेकंड लास्ट की बात करते हैं, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000, बोला प्रॉफिट अगर 40 तो सेल्स कितना, देन फिर से आपको क्या करना है यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं आपका यहाँ पे लिखता हूँ फिर से वही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, अब आपका इस केस में क्या पूछा है सेल्स, मतलब दो केस आपको पूछते पूछता है, एक में सेल्स देगा डिजायर्ड प्रॉफिट आपको पूछेगा, एक में आपको सेल्स दिया मींस सेल्स पूछेगा डिजायर्ड प्रॉफिट देगा, मतलब तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 30,000 है, 30,000 प्लस डीपी कितना, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना दे के रखा है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है 40,000 दिया गया, 40,000 डिवाइड बाय पीबी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो 20%, मतलब 70,000 डिवाइड बाय 20%, तो 70,000 डिवाइड बाय 20%, तो आ गया आपका ₹3,50,000। लास्ट केस की बात करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द सेकंड ईयर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका फॉर्मूला क्या है, तो सर फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स आपका क्या दिया है, एक्चुअल सेल्स हमारा एक्चुअल सेल्स सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का आप सेल्स देखो कितना दिया गया, तो 280 दिया गया है 280, ठीक है, माइनस बीपी सेल मीन्स आपका जो बीपी सेल आपने यहाँ पे निकाला है 1,50,000, तो 280 माइनस 1,50,000 आप करो 280 माइनस 1,50,000, ठीक है माइनस किया तो आ गया ₹130,000, आपका क्या आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन से समझ में आया रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सेम सेक्शन का कंटिन्यू वीडियो क्या करने वाले अपलोड करने वाले। थैंक यू सो मच।